हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डेमो और इंस्टॉलेशन देखेंगे। ये सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन और ये है उसका कंट्रोल पैनल। अंदर कुछ एक्सेसरीज दिया हुआ है, चलो उसे चेक कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में मैनुअल बुक और इनलेट आउटलेट पाइप और ये डिटर्जेंट बॉक्स जो कि यहाँ पर लगेगा, और ये मशीन को नीचे झुकाने के बाद में नीचे की साइड में एक मोटर प्रोटेक्शन आता है, वो आपको यहाँ लगाना है जो मशीन के साथ में आएगा। प्लास्टिक का कैप रहता है। ये डिटर्जेंट बॉक्स जो आपके लिक्विड या फिर डिटर्जेंट डालना है, और यहाँ पर सॉफ्टनर डालना है आपने, जो सुगंध के लिए डालते हैं, सुगंध आने के लिए कपड़ों में जो स्मेल अच्छी स्मेल आने के लिए, उसके लिए सॉफ्टनर और डिटर्जेंट। ये टैप, ये हमारे दोनों पाइप आउटलेट और इनलेट, ये हम इनलेट लगा देते हैं यहाँ। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ये आउटलेट पाइप जो मशीन के बैक साइड में लगेगा। इस मॉडल के साथ में स्प्रिंग पाइप आता है जिसको आपने खींचकर लंबा करना होता है। ये हमने आउटलेट पाइप लगा दिया और अब हम टैप पे ये अडेप्टर लगाएंगे जो कि इस तरह लगता है। मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें स्पेशली टैप कैसे लगाते हैं, टैप एडाप्टर कैसे लगाते हैं, उसका वीडियो दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। मैं आई बॉक्स में डाल दूँगा उसे। ये टैप पे लगाना है आपने, ये वाटर लीकेज चेक कर लेते हैं, कोई नल में से कोई पानी लीक नहीं हो रहा है। ये पाइप लगा दिया और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने कपड़े डालना है, यहाँ पाउडर डिटर्जेंट कपड़ों के अकॉर्डिंग डालना है आपने, और यहाँ सॉफ्टनर वगैरह। दरवाज़ा लगा दिया, इसे पावर ऑन कीजिए, साइकिल और स्टार्ट। साइकिल मीन्स आपको नॉर्मल पे ही रखना है। ये पॉज करके हम पहले साइकिल चेक कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब रेगुलर कपड़ा। साइकिल का बटन दबाया, सुपर क्लीन मतलब वाइट कपड़े, क्विक डेलिकेट्स एक्वा प्रिजर्व। एक्वा प्रिजर्व में क्या होता है, इसलिए वॉश और रिंस करेगा, स्पिन मिसिंग हो जाता है, इसमें सुखाएगा नहीं कपड़े। जीन्स ओनली जीन्स रही तो बेडशीट, जो एनर्जी सेविंग लिखा हुआ है वहाँ पर आपको बेडशीट लगाना है। ये सिर्फ रिंस और स्पिन करेगा, जिसमें वॉश नहीं होता है, ओनली खंगालना और सुखाना। ये लास्ट वाला है जो टब क्लीनिंग, जो अंदर एक टब आता है उसको क्लीन करना पड़ता है एवरी मंथ, या फिर आप 2 महीने में एक बार उसको क्लीन कर सकते हो। ये वापस हम नॉर्मल पे चले गए। आपको ये साइकिल का बटन दबाते रहना है और कौन से कपड़े धोना है उसके ऊपर लाइट लाकर फिर आपने स्टार्ट करना है। बाकी एडिशनल फीचर्स दिया हुआ है, ये वाटर लेवल, वॉश, रिंस, स्पिन, तीनों ऑटोमेटिक लग जाएंगे, वॉच स्पिन। अगर आपको ओनली ड्राई करना है तो स्पिन का बटन 5 सेकंड दबा के रखिए, स्पिन और स्टार्ट, तो ये सिर्फ कपड़े ड्राई हो गए अगर ओनली आपको ड्राई करना है तो, और चेंज करना है तो साइकिल चेंज कर दीजिए ऐसे। इंटेंसिव वॉश अगर ज़्यादा मले हुए कपड़े रहे, और ये एक्स्ट्रा ड्राई टाइम दिया हुआ है जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो मानसून के लिए, इसमें 15 और 30 मिनट दिए हुए एडिशनल, आप उसमें बढ़ाकर फिर स्टार्ट कर सकते हो
तो जितना टाइम आप सेट करोगे उतना टाइम एक्स्ट्रा मशीन चलेगी, बट उतना टाइम एक्स्ट्रा ड्राई होगी कपड़े। पावर ऑफ कर दिया, कुछ अंदर क्लीनिंग के लिए देख लेते हैं। ये फिल्टर है जिसे आपको आफ्टर वॉश क्लीन करना होता है एवरी वीक, या फिर वीकली 2 times आप क्लीन कर सकते हो। ये हम कपड़े ऐड कर दिए, इसमें अभी पाउडर डालेंगे या फिर लिक्विड डालेंगे, आप लिक्विड या पाउडर दोनों में से एक यूज कर सकते हो इस जगह। डोर क्लोज कर देते हैं और ये पावर ऑन एंड स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये कपड़ों का वेट करेगा, मतलब कपड़े कितने केजी के हैं वो हिसाब से फिर उसके अकॉर्डिंग वाटर लेवल शुरू करेगा, और जितने कपड़े हैं उतना ही पानी लेगा। अगर आप कपड़े ड्राई डालते हो तो, अगर गीले डालते हो बाहर से अगर भिगो के रखा आपने तो वो लेवल ज़्यादा लेता है। ये देखिए हमारा वाटर लेवल चालू हो गया, इनलेट पंप, और ये 58 मिनट्स दिखा रहा है वॉश रिंस और स्पिन रेगुलर प्रोग्राम में जो नॉर्मल पे सेट होता है, मतलब सारे मिक्स कपड़े। ओके थैंक यू, प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।